गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 8 और ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है नो, क्योंकि क्या हुआ कि ये तो दोपहर में बहुत लेट आते हैं, मतलब 3 वगैरह बजे आते हैं, तो उसके बाद हम लोग फिर खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, फिर सोने वगैरह के टाइम हो जाता है, थोड़ी देर हम लोग सो लेते हैं। तो आज ना मैंने ऑयलिंग की थी, हेयर ऑयलिंग, आपको दिख रहा है कि बहुत ही शाइन कर रहे हैं हेयर, जब भी मैं वॉश करती हूँ उसके बाद ना बहुत अच्छे से शाइन करते हैं मेरे हेयर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हेयर ऑयलिंग की तो उसकी वजह से मुझे ना नींद बहुत अच्छे से आई, तो थोड़े से इन्होंने मसाज वगैरह कर दी थी, मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे। मतलब हम लोग क्या करते हैं 4:30 वगैरह बजे सोते हैं और 1 घंटा सोते हैं उसके बाद उठ जाते हैं, बट आज ना मुझे इन्होंने उठाया नहीं, उनको लगा कि चलो ऑयलिंग कर दिया तो इसको नींद इसकी पूरी होनी चाहिए, इन्होंने मुझे उठाया ही नहीं, तो आज मुझे बहुत अच्छे से सोने दिया, तो इसीलिए ना बहुत लेट हो गया। फिर मैंने उसके बाद हेयर वॉश किया, अभी हेयर वॉश किया तो बैठी है थोड़े से हेयर, तो मैं सोचा चलो आपके साथ बात कर लेती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, अभी तो आपको संडे विश भी नहीं कर सकती, आज संडे है और संडे मंडे वैसे भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमेशा का ही रहता है मेरा, इनकी ड्यूटी रहती है, तो इसी वजह से मैं खुद को समझाती हूँ, सिर्फ की तसल्ली के लिए कुछ अलग सा बनाती हूँ, मतलब नॉनवेज वगैरह बनाते हैं हम लोग, तो आज बना था लंच में नॉनवेज। इन्होंने आज ना मीट भी लाया था, मटन भी लाया था, आप लोगों को पता है मैं मटन नहीं खाती हूँ, चिकन ही खाती हूँ नॉनवेज में, बट क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा मटन पसंद है, मेरे घर पे मटन नहीं आता है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से ना ये बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो ये होटल वगैरह में जाके खा लेते थे, बट अभी बाहर नहीं जा सकते, तो इनका मन किया मटन खाने का, तो इनको बोल दिया था कि चलो लेके आओ मटन। फिर उधर से आने के बाद मैंने नॉनवेज बनाया, उसमें बहुत लेट हो गया, वैसे भी हमें लंच करने में बहुत लेट हो गया, 4 तो बज गए थे हमें लंच करने के लिए, तो उसके बाद फिर हम लोग सोए तो बहुत लेट ही हुआ, सारा लेट लेट ही चल रहा है। लंच में बहुत सारा कुछ बन गया था, मतलब मीट बना था, चिकन बना था, तो वही बचा है अभी सुबह का ही, और रोटियां भी बहुत ज़्यादा बना ली थी मैंने सुबह ही, क्योंकि मुझे लगा ही था कि मैं शाम को नहीं रोटियां बनाऊंगी, तो इस वजह से अभी ना मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ राइस, जीरा राइस। तो जीरा राइस मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छा, जैसे होटल में मिलता है वैसे, तो इसी वजह से मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज। जितना कोई रेसिपी आज शेयर करने के लिए तो है नहीं, मैंने सोचा चलो आज आपके साथ जीरा राइस ही शेयर कर दिया जाए, जैसे हम लोग जीरा राइस होटल में खाते हैं, होटल जैसा ही जीरा राइस मैं बनाती हूँ, और वही मैं आज शेयर करूंगी आपसे कि आप होटल जैसा जीरा राइस घर पे कैसे बना सकते हो। तो पहले भी मैंने जीरा राइस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, बट जो न्यू ज्वाइन हुए हैं वो भी देख लेंगे, और जो ओल्ड है तो उनको पता ही होगा कि मैं जीरा राइस कैसे बनाती हूँ, फिर भी आप दोबारा से देख लीजिए। तो चलिए फिर जीरा राइस बनाते हैं, और फिर डिनर का भी टाइम हो गया है, मतलब डिनर आज जल्दी से कर लेते हैं, तो जल्दी से जीरा राइस बनाती हूँ उसके बाद डिनर करते हैं, तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। यार कुछ भी काम करो ना इस टाइम इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती है, और हाँ गर्मी भी बहुत हो रही है, और इस टाइम ना हम लोग टंकी फिल करते हैं तो पानी बहुत अच्छा आता है टंकी का, मतलब ठंडा ठंडा आता है, तो इसी वजह से नहाने का मन करता है, और सुबह हम लोग सुबह टंकी ही फिल करते हैं, एक बार ही टंकी फिल करते हैं, वो शाम के टाइम में करते हैं, तो दोपहर तक तो पानी बहुत गर्म आता है, मतलब टंकी का पानी इतना गर्म आता है कि नहा भी नहीं सकते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि बॉयल किया हुआ पानी है, उससे तो बिल्कुल नहा नहीं सकते, तो इसी वजह से ये ना शाम को टंकी फिल कर दे, तो हम लोग फिर सभी लोग नहा लेते हैं शाम को एक बार, और सुबह भी पानी ठंडा ही रहता है, फिर तो ठंडे पानी से नहाया जाता है, बट जो दोपहर का पानी होता है ना वो थोड़ी सी भी लेट हो जाए नहाने के लिए तो दोपहर के पानी से नहा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब खौलता हुआ पानी रहता है टंकी का, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि पानी बैठ के पिया करो, तब से मैं पानी बैठ के ही पी रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ये नहीं था कि यार बैठ के पानी पिया जाए या खड़े रह के, मेरा ऐसा था कि चलो यार थक गए हैं पानी पी लेते हैं जल्दी से, तो बहुत लोगों ने बोला, एक दो लोगों ने बोला था मुझे कि आप खड़े रह के पानी मत पिया करो, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा कि खड़े रह के पानी नहीं पिया जाता है,
तो चलो मैं बैठ के पानी पी रही हूँ, बट मुझे रीजन एग्जैक्टली पता नहीं है खड़े रह के क्यों नहीं पानी पिया जाता है। तो मुझे ना एक बार रीजन बता देना आप लोग कि खड़े रह के पानी क्यों नहीं पिया जाता है। तो बहुत पैसे लग जाते हैं इस टाइम, और आजकल तो बर्तन भी इतने निकल रहे हैं, जब भी देखो सिंक में बर्तन पड़े ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चाय के, तो कभी बच्चे पानी पीते हैं तो ग्लास पड़े रहते हैं, तो आते जाते मुझे बर्तन क्लीन करते ही रहना पड़ता है। धनिया पाउडर खत्म हो गई थी तो धनिया पाउडर बना ली मैंने, क्योंकि मैं ना घर पे ही धनिया पाउडर बनाती हूँ, आप लोगों को सभी को पता है। क्योंकि क्या होता है कि बाहर से जो धनिया पाउडर लाता है ना, तो थोड़ी सी उसकी स्मेल भी नहीं आती है जल्दी, मतलब इतना मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी हो गई है, तो धनिया पाउडर ना थोड़ा सा फ्रेश रहता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं घर पे बनाती हूँ। माइक्रोवेव कर लेती, थोड़ा सा भून लेती हूँ माइक्रोवेव में उसे धनिया को, और उसके बाद उसका जो पाउडर है वो बनाती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं तो आप कढ़ाई में भी भून सकते हो और उसका पाउडर बना सकते हो, तो घर पे बनाया हुआ जितना अच्छा रहता है ना, उतना अच्छा बाहर का खरीदा हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट हुआ, या धनिया पाउडर हुई, या जीरा पाउडर हुआ, ये सारी चीज़ें घर पर बनाती हूँ, जो मैं बना सकती हूँ। घर की चीज़ों में जो मज़ा है वो बाहर की चीज़ों में कहाँ, तो इसीलिए मैं घर का ही सारा कुछ यूज़ करती हूँ बनाया हुआ। और हाँ, मैंने ना आज बहुत दिनों के बाद ये वाला टॉप और स्कर्ट पहना है, तो स्कर्ट ना कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा कुछ इस तरह से है स्कर्ट, तो बहुत दिनों के बाद पहना है ये, आगे दिख गया तो इसी वजह से मैंने आज पहन लिया। कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा चलो आज वेस्टर्न ही पहना जाए, काफ़ी दिन हो गए इंडियन पहने हुए, मतलब काफ़ी दिन हो गए मैं कुर्तीज ही पहन रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज वेस्टर्न पहना जाए थोड़ा सा। तो कैसा लगा आपको लोग ज़रूर बताना आज का। तो चलिए फिर अभी जीरा राइस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरा राइस बनाने के लिए मैंने ना गैस पे एक पतीले में पानी चढ़ा दिया है, वो बॉईल हो जाएगा, तब तक मैं यहाँ पर राइस जो है वो वॉश कर ले रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने ये डीमार्ट से राइस लाया था, जो बासमती राइस होता है वो, तो बासमती राइस लेना है ऐसे जो लंबा होता है, और अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसका जो पानी है, दो तीन बार इसको वॉश करना है ऐसे ही, इसका पानी निकल जाए सफ़ेद वाला, और उसके बाद आपको इसे रख देना है, मतलब सोख करके नहीं रखना है, ऐसे ही रख देना है, तब तक ये पानी आपका बॉयल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें ऑयल ऐड करना है, तो ऑयल इसके लिए ऐड करना है ताकि जब आप राइस ऐड करोगे उसमें तो वो चिपकेंगे नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है आपको, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल ऐड करना है। उसके बाद आपको उसमें बॉयल आने देना है,
जब आप राइस ऐड करोगे तो थोड़ा सा उसमें चम्मच आपको घुमा देना है, उसके बाद उसे बॉयल आने देना है। तो आपको पहले उसमें नमक नहीं ऐड करना है, पानी में ध्यान रखना है, नमक नहीं ऐड करना है आपको। वैसे ही उसे राइस को बॉयल होने देना है। और ये आप चम्मच इसलिए घुमा रहे हो ताकि ये चिपके ना नीचे से, क्योंकि स्टील का पतीला है, स्टील के पतीले में जल्दी से नीचे चिपक जाता है। इसी वजह से मैं चम्मच घुमा दे रही हूँ उसमें, बीच बीच में चम्मच घुमाते रहूँगी ताकि ये नीचे से चिपके ना जो हमारे चावल है वो। और यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं हमारे चावल, देख सकते हो। और चावल को बहुत ज़्यादा गलने नहीं देना है आपको, एकदम थोड़ा सा ठाड़ा ही रहेगा तब आपको पता चल जाएगा। वैसे जब आपको आप निकाल के उसे देखोगे ना, दबा के देखोगे, तब आपको पता ही चल जाएगा। आप देख सकते हो अभी राइस बन चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग पतीले में बना रहे हैं, राइस कुकर जैसे नहीं होता है। कुकर जैसा कुकर में जल्दी बन जाता है राइस, बट पतीले में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दबा के देखिएगा दब जाए राइस, तो सपन चाहिएगा बन गया है राइस। और इसका पानी पूरा ही हमें नहीं ये करना है, पारी एक स्ट्रेनर में हमें स्ट्रेन कर लेना है इसे। अभी आप देख सकते हो ये राइस बन गया है और खिला खिला सा बन रहा है अब राइस, तो इसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है आपको। इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और फिर राइस जो है वो हमारे खिले खिले से बनेंगे। मतलब जीरा राइस के लिए खिले खिले से जो चावल होते हैं वो अच्छे लगते हैं, मतलब चिपके चिपके से नहीं चाहिए होते हैं उसके लिए। मतलब बाहर के जैसा अगर जीरा राइस बनाना हो आपको, तो इस तरह से आपको खिले खिले से चावल चाहिए होंगे उसके लिए। और थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी भी ऐड किया है ताकि ये चिपके ना इसी वजह से। और बस यहाँ पर हमें ठंडे होने दूंगी वो चावल। आप चाहो तो उसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हो ठंडा होने के लिए, ताकि वो खिले खिले से बने। और नहीं तो फिर आप वैसे भी ठंडे होने दे सकते हो। तो वहाँ पर जब तक वो ठंडे हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है आपको, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। उसके बाद उसमें ना जीरा ज़्यादा ऐड करना है आपको, मतलब जीरा राइस बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जीरा लगता है। और जीरा डालने के बाद ना हमें उसमें जो राइस हमने ठंडे होने के लिए रखे थे वो ऐड कर देना है। और उसके बाद हमें उसमें ऊपर से नमक ऐड करना है। मतलब पहले हमने नमक नहीं ऐड किया, जब पानी में डाला था तब उसमें नमक नहीं ऐड किया था हमने, हम ऊपर से नमक ऐड कर रहे हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे जीरे को, तो ताकि ये पूरे राइस में जीरा फैल जाए, मतलब मिक्स हो जाए। और उस तरह से आपको सारे जीरे को मिक्स कर लेना है राइस में। यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया था जीरा सारे राइस में। तो उसके बाद मैंने धनिया पत्ता बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता आपको उसमें ऐड करना है, ताकि ये बाहर जैसे दिखे। तो यहाँ पर धनिया पत्ता मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद अच्छे से उसे भी चला लिया है। और बस इसे एक बोल में निकाल लिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल बाहर जैसा जीरा राइस दिख रहा है, होटल जैसा। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, मतलब नॉन वेज के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, पनीर के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब होटल जैसी फीलिंग आती है। ऐसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? वायरस की कड़ी तोड़ो। कैसे कैसे? इधर देखो, इधर देखो। ऐसे क्या बोलते हैं? वायरस की, वहीं आवाज कम करो बेटा। वायरस की कड़ी तोड़ो। क्या बोलते हैं? वायरस की कड़ी तोड़ो। वायरस की कड़ी तोड़ो बोलते हैं। कहाँ पे? यहाँ ये कड़ी है। अच्छा, कहाँ दिखा रहे? बताओ बताओ दीदी। अब नहीं लगे, बाद में लगे, ऐड में आता है। एड में आता है क्या? हाँ। क्या बोलते हैं वो? वायरस की कड़ी तोड़ो। वायरस की कड़ी तोड़ो। कहाँ पे है? यहाँ। अच्छा, और कैसे बोलते हैं वो? वायरस की कड़ी तोड़ो यहाँ। ऐसे हाँ, ऐसे क्या? ऐसे ऐसे होता, ऐसे ये ऐसे हो गया तो ऐसे होता। हाँ, ऐसे हो गया तो ऐसे होता। हो गया ज्यादा हो गया। आपको वो गाना आता है हैंडवॉश का? हैंडवॉश का गाना कैसे बोलते हैं? साबुन चलो तेरा वो हाथ हरदम। डांस करने लग गया। डांस डांस नहीं, अद्वि अद्वि गाना गाना बोलो। कैसे कैसे?
बन गया है जीरा राइस और खाना तो सुबह का ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बस अभी डिनर करना ही बाकी है, तो अभी बच गया है 9 और डिनर कर लेते हैं। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि मतलब काफ़ी दिनों से उनकी एक ही कमेंट आ रही है, हर एक ब्लॉग में एक ही कमेंट आ रही है उनकी कि आपकी कम एज में शादी हुई है क्या, कम एज में शादी हुई है क्या। तो मैंने उनको काफ़ी बार कमेंट में भी बताया कि हाँ डियर, बट उनका एक ही क्वेश्चन रहता है हमेशा। और मैं आज फिर भी उनको बता रही हूँ कि हाँ, मेरी बहुत कम एज में शादी हुई है, मतलब 18 इयर्स में ही मेरी शादी हो गई थी। 18 इयर्स कंप्लीट थे, 19 रनिंग था मेरा, उस टाइम मेरी शादी हो गई थी। तो फाइनली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि ग्रीन टी किस टाइम लेना चाहिए, तो ग्रीन टी डियर आप अपने खाने के बाद ले सकते हो, एक घंटे या आधे घंटे के बाद, मतलब खाना अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद आप आधे घंटे के या एक घंटे के बाद ले सकते हो, अगर आप लंच करते हो उसके आधे घंटे या एक घंटे के बाद ले सकते हो, और इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे ले सकते हो। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपको पता ही होगा इवनिंग स्नैक्स आपका क्या हो सकता है, या तो सैंडविच हो सकता है, मतलब जो हेल्दी वाला सैंडविच होता है वो, और या तो हो सकता है स्प्राउट्स, या तो आलमंड वगैरह, ये जो चीज़ें होती है वो। तो इस तरह का अगर आप स्नैक्स लेते हो इवनिंग स्नैक्स, तो उसके साथ भी आप ग्रीन टी ले सकते हो, या तो फ्रूट के साथ भी ले सकते हो। दिन में 3 बार तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं होगी वो। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन याद आते हैं वैसे वैसे मैं क्वेश्चन का आंसर करती हूँ आपके। तो किसी ने मुझे ये पूछा था कि ये आप हाथ में क्या पहनती हो, तो डियर ये हाथों में मैं हैंड मंगलसूत्र पहनती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से है। ये मैंने आपको डिटेल में शेयर किया था इसका वीडियो, इन्होंने मुझे ये वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट किया था, और ये मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट है इस साल का। तो ये कुछ इस तरह से, इसकी अच्छे से डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से है, और इसे एक लटकन है इस तरह से। तो ये है हैंड मंगलसूत्र। तो चलिए फिर नाम लेने का और इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट नाम है स्नेहल लोकारे, और सेकंड नाम है रेखा पाटिल ने रिक्वेस्ट की है उनके बच्चों का नाम लेने के लिए, तो उनके बच्चों का नाम है सुद्धि एंड यश। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ इसके साथ। और जिन जिनके नाम नहीं आए हैं इस ब्लॉग में, तो आप इस ब्लॉग पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।